अपने आप को जो समझा रहे हैं ये इसलिए कि सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। शादी को 10 साल हो गए पर माँ नहीं बन पाई। सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है? क्या मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिलेगा? भविष्य फल के फोन सर्विस में आप हमारे अनेक ज्ञानी ज्योतिषों से अपनी समस्याओं के गुणकारी हल मांग सकते हैं। फोन लाइंस 24 घंटे खुले रहते हैं और आपकी सारी जानकारी गोपनीय होंगी। कॉल कीजिए 5664466 पर। चलिए देखते हैं हमारा अगला कॉल क्या है। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी कहिए। शिवानंद जी, दिस इज मनमोहन सिंह। हाँ जी मिस्टर सिंह बोलिए। आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट माय सन, हिज नेम इज सुमित सिंह। सुमित सिंह, ही वाज बोर्न ऑन द 5th of May 2000। ही इज 10 इयर्स ओल्ड। एक्चुअली हिज बर्थ प्लेस इज मुंबई। अच्छा अच्छा। एंड द बर्थ टाइम इज 3:45 AM इन द मॉर्निंग। ओके। Now the problem is that when he was a small kid, you know, he was very intelligent, very clever, and he used to do everything on his own and listen to us on everything. Okay. But nowadays he is kind of changed now and not at all concentrating on his studies. And even after repeatedly telling him something, he does not listen to us. And his school results are going down day after day. So I needed your guidance on the same. Okay, okay. Let's see his horoscope. सेम थिंग दैट उनके जो फर्स्ट हाउस में मेष लग्न लगा हुआ है और मेष लग्न के साथ में जो उनकी राशि है वृश्चिक राशि, लेकिन अभी मेष लग्न का जो मालिक होता है वो मंगल होता है। मेष लग्न जो फर्स्ट हाउस है ये बिहेवियर को इंडिकेट करता है, नेचर को इंडिकेट करता है, और उसका जो स्वामी है वो जो मार्स है वो आपके बच्चे के 7th प्लेस में है। अब 7th प्लेस में है वो एक ठीक है, लेकिन इसका स्वभाव जो है मार्स यानी हीट, गर्म गर्म स्वभाव की वजह से और आपके लाड़ प्यार की वजह से ये बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा ये हो गया है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो मैं मम्मी डैडी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, और इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे के दोस्तों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना होगा। इस समय जो बच्चे के छोटे उनके एज के हिसाब के जो दोस्त हैं उनको आप अच्छी तरह से चेक करिए कि कहीं उनमें कोई एक गलत नेचर के लोग तो नहीं हैं, गलत नेचर के बच्चे तो नहीं हैं उनके साथ ही, तो ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि 8वें स्थान में है जो हेल्थ का स्थान है वो जो मून है, मून का संबंध हमारे मन से होता है, तो इस समय इसकी जो मानसिक स्थिति है वो इस तरह की है कि मैं अपने मन का करूँगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप जिद करते हैं तो ये अपने आप को तकलीफ पहुँचाएगा, इस तरह का इसका नेचर हो गया है। लेकिन इसको पोलाइटली लीजिए, मैं अभी भी कहता हूँ आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करें, इसके जो साथी हैं इनको ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करें और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको तेज़ी से उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस बच्चे के अगर एनिमी प्लेस की हम बात करें तो यहाँ पर सैटर्न है और मर्क्यूरी है और सन है, ये 3 जो नेचर के हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर सूर्य और शनि ये अगर एक साथ में हो तो प्रॉब्लम माना जाता है। ये डैडी से जल्दी इनका जमता नहीं है, इनके मम्मी से जल्दी जम जाएगा लेकिन डैडी से जल्दी जमता नहीं है, तो आप पोलाइटली आगे बढ़ें क्योंकि आपका बच्चा है, आप उसको सलीके से धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहें और उसको कोई भी प्रकार का दबाव नहीं डालें, प्रेशर नहीं डालें, और धीरे धीरे वो आपका बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा कुछ कर सकता है तो एक नॉर्मल सिंपल एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ कि ओम ऐंग सरस्वती नमः। सरस्वती नमः तो सबको पता है लेकिन उसमें बीज मंत्र जोड़िए, बीज मंत्र है ऐंग AING, ओम ऐंग सरस्वती नमः, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, वो आप अपने बच्चे को कहें, रिपीट करें, और रिपीट करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप अपने बच्चे के नाम से 5 रुपीज़ या 11 रुपीज़ ऐसे तुलसी के पत्ते के साथ में रख कर किसी भी बेगर को आप दान दे दीजिए, या देखिए 5 रुपीज़ या 11 रुपीज़ तुलसी के पत्ते के साथ में इसको रख के आप किसी भी बेगर को दान कर दीजिए। और याद रखिए कि ऐसे गाय को आप घास खिलाइए जो एक कलर की नहीं है, ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और इसमें आपको यही सोचना है कि मैं अपने बच्चे के हेल्थ के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये आप ऐसा सोचकर उस गाय को आप खिलाइए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि वो गाय एक कलर की नहीं होनी चाहिए, 2-3 कलर्स वाली गाय होनी चाहिए। तो ऐसा करेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आप हमारे कार्यक्रम को नहीं भूलेंगे। मेरा आशीर्वाद आपके बच्चे के साथ में है, आपका बच्चा अच्छे से तरक्की करे और आपको भी शांति मिले, सुख मिले, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, सुखी रहो। चलिए अब मैं लेता हूँ अपना अगला कॉल।
हाँ जी हेलो शिवानंद जी. हाँ जी बोलिए. माय नेम इज मीनाक्षी. हाँ मीनाक्षी बोलो. एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज 14th December 1984. ओके. प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली. एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 12:27 PM. ओके. माय मैरिज टुक प्लेस 3 years back बट आई हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव. We consulted the doctor and the doctor says that my husband and I, we both don't have any problem. So could you please give us some advice? Ah, okay, beta, no problem. We advise you what to do. सबसे पहले देखिए कि जिस तरह का हम आपके कुंडली देख रहे हैं उसके मुताबिक आपका जो सेवंथ प्लेस है, सेवंथ प्लेस में मार्स है, ये जो बॉडी में गर्मी पैदा करता है बहुत ज़्यादा हीट. तो सबसे एक बेसिक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि मोस्टली आपके बॉडी में पानी यानी वाटर का लेवल बहुत कम है. इस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा. सिंपल टॉपिक है, पानी आप ज़्यादा पीजिए. और इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं वो अगर आप करते हैं तो उससे एक बेनिफिट बहुत तेज़ी से मिल जाएगा. क्योंकि जो मार्स एक ऐसी जगह पे है और थोड़ा सा वीक है, इसकी वजह से आपके जो यूट्रस सिस्टम में पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. इवन आप मेडिकली आप चेक कराइए, आप साइंस को भूलिए नहीं, हमेशा याद रखिए आप मेडिकली चेकअप कराइए. समथिंग कोई कुछ प्रॉब्लम्स हैं. और उसके बाद आप अपने मिस्टर को भी चेकअप कराइए. तो इसमें दोनों में से एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आप में मिलेंगे आपके मिस्टर में नहीं मिलेंगे. तो वो खाली आप चेकअप करा लीजिए. और नॉर्मली कुछ सिंपल एक प्रिकॉशन है कि एक जो संतान गोपाल मंत्र आप थोड़ा सा बोलें. अब मैं आपको मंत्र के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मंत्र के अंदर के जो वाइब्रेशंस होते हैं, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि मंत्र बोलने से कि कैसे पॉसिबल है. लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि उनका उच्चारण इस तरह से होता है कि बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट्स एक्टिवेट होता है. तो संतान गोपाल जो मंत्र है ये पेट से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उसे एक्टिवेट करता है, वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को वो फास्ट करता है. तो आप संतान गोपाल मंत्र है, बहुत इजी है, बहुत आसान है. उसको आपको थोड़ा सा बोलना है. और ओम संतानाय, ओम गोपालाय, मम कार्य कुरु कुरु नमः. ओम संतानाय गोपालाय मम कार्य कुरु कुरु नमः सिंपल मंत्र है. ये आप उच्चारण करें, इससे एक वाइब्रेशन पेट में शुरू होता है और पेट से रिलेटेड जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं. इससे आपको बेनिफिट बहुत तेज़ी से मिलता है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप साइंस को नहीं भूलें, आप मेडिकली भी जाएं और ये सिस्टम भी करें, आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से आपको आपकी जो इच्छाएँ हैं वो फुलफिल हो जाएगी और आने वाले कल में एक अच्छी खुशखबरी सुनाई पड़ेगी और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा. आप चिंता नहीं करें, इस चीज़ का उपयोग करें जो मैंने आपको बताया, ये उपाय करें. मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है कि आपका परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, तरक्की करें अच्छे से. दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अलग अलग समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्या अमीर क्या गरीब, हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है. अमीर सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं इतना तनाव में क्यों हूँ. गरीब सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है शायद मैं इसकी वजह से तनाव में. हर आदमी के अपने अपने कारण हैं, अपनी अपनी बातें हैं. लेकिन हर आदमी दुख भोगता है और उस दुख भोगने के कम करने के लिए, उस दुख को कम करने के लिए वो हर जगह भाग दौड़ करता है और बहुत परेशान होता है. कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आचार्य शिवानंद दास आपके सामने बैठा हूँ और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नंबर डायल करना है 5664466 पर आप कॉल करें और ये देखें कि आपके जीवन में कुछ चेंजिंग आती है कि नहीं. आपको सरप्राइज होगा, आपको आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में चेंजिंग होगा. याद रखिए जीवन का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन होना है. आप आज सुखी हैं तो ये भूल जाइए कि हमेशा आप सुखी रहें, परिवर्तन तो होगा. ये एक सर्कल है, ये सर्कल चलता रहेगा. दुख सुख ये चलना ही है, इससे हम और आप नहीं बच सकते हैं. लेकिन अगर कुछ विधि, कुछ मार्गदर्शन अगर आप लें तो आप अपने जीवन को नेगेटिव से पॉजिटिव लाइफ की तरफ तेजी से ले जा सकते हैं और बहुत तेजी से अपने जीवन में तरक्की प्राप्त सकते हैं. याद रखिए आप हमसे बात कर सकते हैं 5664466 पर आप कॉल करें. हमारे आप में सिर्फ एक हाथ की दूरी है. मैं आचार्य शिवानंद दास दावा करता हूं कि आपको अपनी समस्या से मुक्ति में दिलाऊंगा. मैंने 35 साल अपने जीवन में कुछ डाले हुए हैं, कुछ ज्ञान की प्राप्ति की है और वो ज्ञान मैं आप में बांटना चाहता हूं और मैं बांट रहा हूं. आपको करना क्या है 5664466 पर कॉल करें और इस ज्ञान को तुरंत लें. क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं होता, समय तो चलता रहता है और समय के साथ ही आपको चलना है. याद रखिए तो ये जो समय है, ये जो सही वक्त है, उसका लाभ लेना समझदारी है. अगर वो समय निकल गया तो सिर्फ हम सोचते रह जाएंगे.
तो यही कारण है कि समय का आप लाभ लीजिए और इसका लाभ तेजी से उठाइए, बहुत तेजी से बढ़ाइए। याद रखिए कि आज अंधेरा है तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं, रोशनी सामने है आपके, बस उसे समझना है और रोशनी में पहुंचना है, और पहुंचाने का रास्ता मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। डायल करें एक नंबर 5664466, होल्ड करें और उसके बाद आप वेट करें, कहीं इंगेज आए कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा होल्ड करें और आपका नंबर जरूर लगेगा, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन होना ही है, ये मान लीजिए होना ही है। अब मैं देखता हूं अपना अगला कॉल क्या है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए, मैं सिमन दास बोल रहा हूँ, बोलिए। माय नेम इज सुधा। हाँ हाँ, यस, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ओके, एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज 8 December 1982। ओके, एंड द टाइमिंग इज 9:33 PM। हाँ हाँ, आई एंड माय हस्बैंड लिव इन UK। ओके, बट आई डू नॉट हैव एनी परमानेंट वीजा। हाँ, वी हैव अप्लाइड फॉर द सेम। आई हैव टू वरीज, विल आई गेट द वीजा सैंक्शन, एंड सेकेंडली माई जॉब, प्लीज हेल्प। ओके ओके बेटा, लेट अस सी योर होरोस्कोप। जिस तरह के हम आपकी कुंडली देख रहे हैं, इसके मुताबिक आपका जो यात्रा प्लेस है, इस यात्रा प्लेस में हम कह सकते हैं केतु है। केतु होने की वजह से ये हो जाता है कि वो आपको टूरिज्म, यहाँ से दूसरी जगह जो आने जाने की बात आती है, तो उसमें जो जल्दी सक्सेस नहीं कराता। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ एजेंट्स को कुछ फीस देना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, तो ज़रा सोच समझ के दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से ये हो जाएगा कि आपको आपका रिस्क फैक्टर कम होना चाहिए। तो ऐसा है, तो ये बहुत सोच समझ के पूरी तरह से वेरीफाई करिए उस एजेंट के बारे में, और उसके बाद आप उसके लिए ट्राई करिए। तो उसमें